सलमान खान को हिंदी फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए 3 दशक से ज़्यादा समय हो गया है और इस दौरान जो इन्होंने रुतबा हासिल करके दिखाया है वो वाकई काबिले तारीफ है। मौजूदा समय में सलमान खान अपने करियर के ग्राफ को ऊपर उठाने के जद्दोजहद में, क्योंकि पिछले कई सालों से लगातार उनकी फिल्में सुपर डुपर फ्लॉप साबित हो रही हैं। इस समय भाईजान सलमान खान अपनी फिल्म टाइगर 3 को लेकर खूब चर्चाओं के केंद्र में बने हुए हैं, जिसका भी हालिया में ट्रेलर रिलीज हुआ था। 12 नवंबर यानी दिवाली के खास मौके पर इस फिल्म का आगाज होने वाला है, लेकिन इस फिल्म से जुड़े कई सारे कलाकार काफी ज्यादा चर्चाओं में आ गए। अब एक समय ऐसा भी था जब सलमान खान के सबसे बड़े दुश्मनों में से एक अरिजीत सिंह को वो देखना तक नहीं पसंद करते थे, लेकिन फिल्म के एक गाने में अरिजीत सिंह को ले लिया गया। वहीं दूसरी ओर इमरान हाशमी के साथ भी भाईजान सलमान खान के साथ कुछ खास रिश्ते नहीं थे, लेकिन मौजूदा समय में वो फिल्म का अहम हिस्सा बन चुके हैं। आइए चलिए जानते हैं कि इमरान हाशमी और अरिजीत सिंह के साथ सलमान खान का पैकअप कैसे हुआ। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि सलमान खान अपने गुस्सैल रवैये के लिए भी बहुत ज़्यादा बदनाम है और सलमान खान के गुस्से का शिकार बॉलीवुड के नामचीन कलाकार हो चुके हैं। उन्हीं में से एक थे अरिजीत सिंह। अरिजीत सिंह के साथ सलमान खान की दुश्मनी आज की नहीं बल्कि 9 साल पुरानी है और इन दोनों की दुश्मनी की शुरुआत 2014 में होती है। उस साल अरिजीत सिंह को फिल्म आशिकी 2 के गाने तुम ही हो के लिए अवार्ड दिया गया था और अवार्ड लेने के लिए अरिजीत जरा देर से पहुंचे तो सलमान खान ने मजाकिया अंदाज में कहा था कि सो गए थे क्या। इसके जवाब में अरिजीत सिंह ने जो भी कहा वो सलमान खान के दिल पर लगी और इन दोनों की दुश्मनी की शुरुआत होती है। बताया जाता है कि दोनों में मतभेद और मनभेद 2014 में सामने आए थे, वो भी एक अवार्ड फंक्शन में जिसे सलमान खान और अरिजीत सिंह ने होस्ट किया था। इस शो में अरिजीत सिंह को अवार्ड दिया गया था जिसे लेने के लिए अरिजीत सिंह स्टेज पर पहुंचे, लेकिन स्टेज पर पहुंचकर होस्ट से कहा था कि आप लोगों ने सुला दिया, यानी अरिजीत सिंह ने उनकी होस्टिंग पर सवाल उठाए थे। लेकिन इसका मजाकिया लहजे में सलमान खान ने तुरंत जवाब भी दे दिया था। उन्होंने कहा था कि तुम ऐसे गाने गाओगे तो नींद तो आएगी ना। अब भले ही सलमान खान ने उसी वक्त अरिजीत सिंह को जवाब दे दिया था, लेकिन फिर भी भाईजान सलमान खान के मन में उनकी बात घर कर गई थी और उन्हें यह बात बुरी भी लगी थी। इसके बाद मीडिया में खबर आई कि सुल्तान फिल्म से अरिजीत सिंह के गाने को हटा दिया गया है और किसी और सिंगर से वो गाना गवाया गया। हालांकि इन बातों में कितनी सच्चाई थी ये अरिजीत और सलमान खान से बेहतर कोई भी नहीं जानता। लेकिन अब इन दोनों के बीच में मतभेद की खबरें खत्म होती नजर आ रही हैं और इन दोनों का पैकअप हो चुका है। मौजूदा समय में भाईजान सलमान खान अब अरिजीत सिंह पर खूब प्यार भी लुटा रहे हैं और यही बड़ी वजह है कि टाइगर 3 के एक बड़े गाने में भाईजान सलमान खान ने अरिजीत सिंह को एक बड़ा मौका दिया। तो वहीं दूसरी ओर अगर इमरान हाशमी की बात करें तो एक समय ऐसा भी था जब इमरान हाशमी और सलमान खान की बिल्कुल भी नहीं बनती थी, लेकिन धीरे धीरे अब इमरान हाशमी के साथ भी उनकी दुश्मनी खत्म हुई और उन्हें अपनी फिल्म में एक बतौर विलन भी कास्ट करवाया।